हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाड़िव में एक शाम जुगदन्नी के नाम भजन संध्या संपन्न। सिरोही के निकटवर्ती गांव पाड़िव में लोक देवता श्री जगधनी मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग सजाया गया। उसके बाद शाम को एक शाम जगधनी के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देवा भारती महाराज मंगलपुरी महाराज का सानिध्य रहा। दोनों संतों का क्षत्रिय युवा घाची समाज पाड़िव द्वारा माल्या अर्पण व शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में हितेश सन एंड पार्टी द्वारा गणपति वंदना के साथ एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजक क्षत्रिय युवा घाची समाज पाड़िव था। भजन संध्या में गांव के समाज सेवी रगाराम घाची ने गांव में बन रही श्री जगधनी गौशाला सेवा संस्थान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि गांव में कई वर्षों से पशुधन गौवंश बेसहारा भटक रहा है, उसे लेकर गांव के कुछ युवाओं ने कार्यकारिणी बनाकर गौशाला रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो हम सभी ग्रामीणों का फर्ज बनता है कि आप जो भी यशा शक्ति तन मन धन से सहयोग देना चाहता है वो श्री जगधनी गौशाला में सहयोग कर रसीद प्राप्त करवाए। गौशाला का निर्माण होने से अपने गांव में कोई भी गौवंश बेसहारा नहीं भटकेगा और न ही किसी किसान के कृषि फार्म या खेतों में नुकसान पहुंचाएंगे। भजन संध्या में श्री जगधनी मंदिर की मूर्ति को पुजारी लक्ष्मण रावल ने आंगी कर सजाया गया था, जिनकी प्रशंसा पूरे ग्रामीणों ने की। कार्यक्रम में गौ माताओं के लिए झोली घुमाई गई, जिसमें ग्रामीणों द्वारा 1,100 की राशि प्राप्त हुई, जो क्षत्रिय युवा घाची समाज ने श्री जगधनी गौशाला में दी गई। जागरूक टीवी के लिए पाड़िव से सुरेश पुरोहित की रिपोर्ट।